डीएम व एसपी ने की शराब दुकान की चेकिंग। जनपद आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद से लगातार अभियान चल रहा है। अब तक 120 लोग भेजे गए जेल, कई पर लगा गैंगस्टर। दरअसल आजमगढ़ जिले के जिला अधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह तथा आबकारी विभाग टीम द्वारा रोडवेज के पास दुकान पर बियर व देसी व अंग्रेजी शराब की चेकिंग पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसपी आजमगढ़ ने बताया कि इस दुकान से सबसे ज्यादा बिक्री होती है। जब से अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, तभी से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 120 लोग को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही हुई है, कई पर गैंगस्टर की कार्यवाही हुई है। साथ ही जनपद में आबकारी व पुलिस की टीम लगातार ठेकों पर जांच कर रही है। अगर कोई इस प्रकार से अवैध या जहरीली शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आजमगढ़ जिले में जिलाधिकारी व एसपी के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। वहीं एसपी आजमगढ़ ने बताया कि लगातार यह अभियान चलता रहेगा। जो भी अवैध शराब में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। किसी भी मायने में उसे बख्शा नहीं जाएगा। शराब के खिलाफ मुख्यमंत्री का आदेश है, जिस तरीके से पूरे जनपद में अभियान चल रहा है, आज किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हम और एसपी साहब दोनों यहाँ पे एक दुकान औचक रूप से चेक करने आए हैं। इसी तरह जगह जगह पे एसडीएम साहिबन, सीओ साहिबन और थानों को भी बोल रखा है, वो भी औचक निरीक्षण हर टाइम पे बिना किसी इंफॉर्मेशन का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। तो पूरा महकमा इसके लिए सतर्क है और कहीं भी किसी तरह की अवैध शराब की शिकायत अगर आती है तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। अभी सब लोग सारी कार्रवाई से अभी लोग काफ़ी लोग भयभीत हैं यहाँ पे। सर, जैसा कि पूर्व में भी कई बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जहरीली शराब को लेकर, तो ऐसे में एंगल जो है वो देसी शराब को पीने का ज़्यादा मामला सामने आता है, तो देसी शराब के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की? देखिए, वही सबसे इसमें बड़े दो तरीके होते हैं। एक तो आपकी मुखबिरी, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने सोर्सेज से, उस पर एक्शन होता है, और दूसरा होता है कि औचक किसी उस पर जाके स्टॉक चेक करना होता है। तो उस दोनों चीज़ पे कार्रवाई हो रही है और पूरी तरह सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सर, जो शराब माफिया है सरकारी दुकान को चिन्हित करके उसमें बेचवाते हैं, सर उसके लिए किस तरह से कार्रवाई? देखिए, स्टॉक रजिस्टर इसके लिए चेक करना बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा कोई कहीं पर स्टिकर, ढक्कन, इस तरह की चीज़ अगर मिलती है वो सब भी देखी जाती है। तो वो सारी चीज़ें पे हम लोग सतर्क दृष्टि लगाए हुए हैं। सर, आज शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई, क्या? देखिए, डीएम महोदय और मैं दोनों की दोनों ज्वाइंट चेकिंग में यहाँ आए थे, और तीनों दुकानें अंग्रेजी, देसी और बियर, तीनों दुकानें चेक की गई हैं, और ये सबसे ज़्यादा बिक्री वाली दुकान यहाँ पर है। तो सभी चीज़ ठीक पाई गई है और लगातार अभियान चल रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि वो एसडीएम, सीओ की ज्वाइंट टीम, थानाध्यक्ष और बाकी आबकारी विभाग सभी लोग मिलकर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और जब से घटना हुई अंबेडकर नगर और हमारे यहाँ, उसके बाद 14 तारीख के बाद कोई जहरीली शराब से पीने की सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है, और लगभग 120 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को गैंगस्टर लगाया गया है। और आगामी आने वाले दिनों में जितने केसेज हैं उन सब में गैंगस्टर लगाया जाएगा, और जो ऐसे लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त की जाएगी। सर, आपके द्वारा लगातार कई थाना क्षेत्रों में शराब के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो शराब बेच रहे हैं, सर उसके लिए क्या? देखिए, ये लंबा रैकेट है और चोरी छुपे ऐसा काम लोग करते हैं, उनके सभी लोगों से सहयोग लेके उनके बारे में जानकारी की जा रही है, और जहाँ जहाँ जानकारी मिल रही है वहाँ कार्रवाई की जा रही है, और ये लगातार एक सतत प्रक्रिया है, तभी इस पर रोक लगेगी। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार जारी रहेगी। ठीक सर।